रबीन वसलासलमल रसोल अमीन वाली वसहब अजमैन अम्माबाद फ़ाउज़बिल्लाशैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वज़लना लिल्मुत्तक़ीना इमामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुन नबील करीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर इनामुल्लाह ख़ान से दरस कुरान सूरह हश्र की चंद आयात से हम समात फरमा रहे थे। लुबिल बाब यह था कि हर इंसान ये सोचे कि मैंने अपने कल की ज़िंदगी के लिए, आखिरत के लिए अपने आगे क्या भेजा है। हम हर दिन हर लम्हा इस बात को सोचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैंने जिस आयत की तिलावत की है सूरतुल फुरक़ान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब बंदों के चंद औसाफ चंद सिफात को वहाँ बयान करते हैं। एक और दो और तीन मुख्तलिफ सिफात हैं वहाँ पर, उसकी तफसीलात में आज हम नहीं जाएंगे। मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसमें ये अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों से और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। गुफ्तगू इस लिहाज से मैं कर रहा हूँ कि यह सिर्फ ख्वाहिशात और तमन्नाओं की बात नहीं है। कल के लिए हम क्या भेज रहे हैं ये सोचते हुए, उस पर अमल करते हुए ख्वाहिशात और तमन्नाएं और दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ हासिल होगी जिसकी तमन्ना भी हम कर रहे हैं। हमें अपनी बीवियों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। क्या सिर्फ कह लेने से ही हमें हासिल हो जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हम अपने जहन में ताज़ा कर लेंगे। जैसे ही इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम होता है, मौत वाक़ होती है, उसके अमल का सिलसिला ख़त्म, जो कुछ आगे भेजना था भेज दिया अपनी ज़िंदगी में, अब और अमल करके आगे नहीं भेज सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिवाय तीन अमाल के, तीन काम ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद भी नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करते रहते हैं। नंबर एक सदक़े जारिया, नंबर दो वो इल्म जो इनके जाने के बाद भी जो इनके ज़रिए से फैला था और फैल रहा है, लोग इस्तेफादा उठा रहे हैं। नंबर तीन वो नेक और सालेह औलाद जिसको हम अपने पीछे छोड़कर हम आगे जा रहे हैं। मैं आज की इस मुख्तसर वक्त में वालिदैन पर औलाद की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमेशा हम सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं औलाद पर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं वालिदैन के बारे में, लेकिन आज कुछ हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन पर भी क्या इस्लाम कुछ ज़िम्मेदारियाँ डालता है औलाद के सिलसिले में, क्या उनके भी कुछ हुकूक हैं। हमारे जाने के बाद, बल्कि एक हदीस मैंने शायद पहले भी सुनाई थी, दोबारा उसके तस्करा कर देता हूँ, वालिदैन के गुज़रने के बाद उनके लिए जो बेहतरीन चीज़, बेहतरीन तोहफा होता है वो उनकी औलाद जो उनके लिए दुआएं करते रहती हैं। जब हम औलाद पर कुछ सर्फ करेंगे
मैं समझता हूँ सब लोग मेरा साथ देंगे कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसे वालिदैन होंगे जो औलाद पर सर्फ नहीं करते। मैं कहता हूँ औलाद के लिए, औलाद की तरक्की के लिए इंसान वक्फ कर देता है, अपने आप को मिटा देता है, बल्कि उनको ऊंचे मुकामात पर पहुंचाने के लिए जायज़ और नाजायज़ की हदूद तक को तोड़ देता है बाज़ औक़ात उनकी मोहब्बत में। सदक़े जारिया, मैं बल्कि शुरुआत यहाँ से करता हूँ, बहुत सारे बुज़ुर्ग हजरात हैं मेरे सामने, नौजवान भी कुछ हैं। औलाद का जो सबसे पहला हक वालिदैन पर, हम शायद ही कम सोचते हैं उसको। अक्सर के हकूक, वालिदैन के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, गैर मुस्लिमों के हकूक, दोस्तों के हकूक, वो हमारे आमने सामने हैं तो उनके हकूक हैं, लेकिन औलाद के मामले में सबसे पहला हक जो है औलाद आने से पहले ही है। कौन सा हक है? अपनी उस होने वाली औलाद के लिए बेहतरीन माँ का इंतजाम करना। कौन सोच रहा है ये? क्या नौजवान या बुजुर्ग हजरात? मुझे बहू कैसी चाहिए, मुझे बीवी कैसी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को दोबारा ताज़ा करें अपनी जहनों में। हम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसान शादी करते हैं चार बुनियादों पर। नंबर एक, उसके माल की बुनियाद पर। नंबर दो, जिसके नौजवान भी बुजुर्ग भी सब दीवाने हैं, खूबसूरती की बुनियाद पर। नंबर तीन, उसका ख़ानदान, कितने ऊंचे मुकाम वाला ख़ानदान है, कितना बड़ा ख़ानदान है। नंबर चार, दीनदारी की बुनियाद पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भला हो तुम्हारा दीनदारी को बुनियाद बनाकर शादी करो। कौन है आज माशरे में, इल्ला माशाल्लाह, नहीं है, नहीं कह रहा हूँ मैं, कौन ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी नौजवान नस्ल के लिए दीनदार खातून की तलाश करते हैं, दीनदार लड़के की तलाश करते हैं अपनी बेटियों के लिए, इल्ला माशाल्लाह। कौन ऐसे नौजवान हैं जो खूबसूरती को कुर्बान करते हैं, दौलत को कुर्बान करते हैं, माल को कुर्बान करते हैं दीनदारी के लिए? है कोई माशरे में? मैं एक दो छोटी छोटी मिसालें देता हूं, ये क्यों हुआ है ऐसा। माशरे की जो, बल्कि माशरा नहीं, मगरबी कल्चर की रो में जो बह रहे हैं हम लोग, नौजवान भी बुजुर्ग भी, किसी चीज का जो डिमांड होता है ना, हर कोई इसके पीछे भागता है, हर कोई। मोबाइल नया नया निकला था, बहुत छोटा मोबाइल, अगर किसी के हाथ में है तो हमेशा हाथ में है, बताते हुए बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फख्र महसूस करते हैं कि मैं मोबाइल वाला हूं मैं। लेकिन आज वो छोटा मोबाइल हाथ में रखना शर्म महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन्स आ गए हैं। टैबलेट का नाम मैंने सुना था मेडिकल शॉप से खरीदने के लिए, आजकल नहीं, ऐजाद आ गई है, माशरे में आ गई है, जमाने में आ गई है, टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए, दीवाने हैं लोग उसके पीछे। एक और मिसाल देता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग किया था, एक 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, सिर्फ तीन किस्म के डिग्रीज हुआ करते थे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज मैं समझता हूँ तकरीबन 10 किस्म के ब्रांचेस बन गए हैं। वालिदैन अपनी औलाद को एडमिशन दिलाने के लिए 10 लोगों से मशवरा करते हैं कि किस फील्ड का डिमांड है। मेरा बच्चा जब 4 साल पढ़ने के बाद मार्केट में आएगा अपने आप को बेचने के लिए, तो उसका डिमांड रहे, उस ब्रांच में हम एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों को। क्या मैं जो बातें शुरू किया हूं उससे कुछ लिंक है मिसाल का, या ऐसे ही दे रहा हूं मैं? दीनदारी का इतना डिमांड कीजिए माशरे में, मेरी नौजवान बेटियां, मेरे नौजवान नस्ल ऐलान कर दें। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, किसी को नुक्ताचीनी करना बिल्कुल मकसूद नहीं है। हर लड़की यह ऐलान करे, जिस नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी होगी मैं शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मेरे नौजवान ये ऐलान करें, बुरखा पोश पर्देदार लड़की से मेरा निकाह होगा, ये छोटी सी टी शर्ट जींस पहनकर माशरे की जीनत बनने वाली लड़की से मेरे निकाह नहीं होगा, कुंवारी बैठी रहे, सारी जिंदगी बैठी रहे।
बुजुर्ग हजरात अपने बच्चों के जहनों में ये बात बिठाएं, बेटा अगर तुम दीनदार लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारी दुनिया जन्नत का नमूना बनेगी, और अपनी बेटियों की तरबियत कुछ इस अंदाज से करें, ऐ मेरी बच्ची जब तू दूसरे घर में जाएगी तो उसको जन्नत का नमूना बनाएगी, तो दीनदार बन पहले। आज का माहौल तो ऐसा हो रहा है, बुरखा दो पर्दादार खातून के लिए रिश्ते मिलना मुश्किल। अगर कोई नौजवान दाढ़ी छोड़ता है तो मेरी नौजवान बेटी कह रही है दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है मुझे। बुजुर्ग हजरात अपनी औलाद को मशवरा दे रहे हैं, बेटा कोई उम्र है दाढ़ी छोड़ने की है? अरे ये तो बुढ़ापे में जाकर करेंगे। अल्लाह ताला को पता है कि दाढ़ी कब आना है? नहीं मालूम। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। माशरे में दीनदारी को इतना आम कीजिए, इतना आम कीजिए कि ये फहाशी, उरियानियत, तंग लिबास, बेहयाई और बेपर्दगी खुद ब खुद मिट्टी चली जाएगी। सिर्फ तमन्नाएं करने से, ख्वाहिशात करने से, एक आदमी करने से नहीं होगा, सब मिलकर करना पड़ेगा, इज्तिमाईयत के साथ करना पड़ेगा। माशरे के जिस तरफ बहाव है, बहाव से लड़कर उसको मोड़ना पड़ेगा, उसको तब ये दीनदारी की तमन्ना मेरी भी और आपकी भी पूरी होगी। और हमारे माशरे में नौजवान लड़की, नौजवान लड़का जिसके पास दौलत नहीं है, सिर्फ दौलत की बुनियाद पर कुमारी बेटी नहीं रहेगी, जवाब देना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी मैदान हश्र में। अल्लाह ताला सवाल करेगा तुम क्या भेजे हो आखिरत के लिए? हम कह सकते हैं हमने कोशिश की है। इसको इतना आम करेंगे, इतना आम करेंगे कि माशरा फिर इसके पीछे दौड़ने लगेगा, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, तमन्नाओं से ये मसले का हल नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बुजुर्ग हजरात को भी, नौजवानों को भी। मैं सवाल करता हूं नौजवानों से, कितने ऐसे नौजवान हैं जो दीनदारी को फौकियत देंगे, तरजीह देंगे, अपनी शरीक हयात के लिए हाथ उठाइए, बमुश्किल एक और दो और तीन गिनने को मिलेंगे। यह है इस्लाम, इस्लाम की तालीमात, यह है औलाद के हुकूक, इस पर तवज्जो देनी चाहिए सबको। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाल्लाह, माशरा खाली नहीं है इससे। हमेशा हम, बल्कि अक्सर बुजुर्ग हजरात आजकल परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, इल्ला माशाल्लाह, मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुन रही है, नाफरमान है और फलां शिकायतें दिल खोल कर रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बूढ़ा शख्स अपने नौजवान बेटों को लेकर शिकायत करने के लिए हाजिर हुआ है, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये और ये और ये और ये शिकायतों का एक अंबार। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान बेटे को समझा रहे हैं, हो बेटे तुम क्यों नहीं सुन रहे अपने बाप की बात को, ऐसे क्या मसाइल हैं, एक और दो बातें नसीहतें करना शुरू करें। नौजवान लड़का कहता है अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सब्र कीजिए, कुछ मुझे बोलने का भी हक है आपके पास। उमर फारूक कहते हैं बोलिए तुम भी, इस्लाम रोकता नहीं है हक की बात को हर महफिल में, लेकिन अदब और एहतराम को मलहूज रखते हुए। अपने वालिद मोहतरम के साथ गुफ्तगू हो रही है ऊंची आवाज में, नहीं इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, हालांकि हक बात है। अपनी वालिदा का मुकाम मुकाम पहचानिए, उसके बाद सवाल कीजिए। अब बच्चा जवाब दे रहा है, उमर फारूक से कह रहा है ए अमीरुल मोमिनीन आप बताइए कि इस्लाम में कुछ हकूक हैं औलाद के भी। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं सबसे पहला हक यह है कि वो औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतजाम करे, दीनदार माँ का इंतजाम करे। दूसरा यह है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अच्छा इस्लामी नाम, सही नाम। तीसरा और चौथा और कुछ हकूक गिनवाते हैं, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूं। अब ये नौजवान लड़का कहता है ए अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से जरा आप सवाल करिए, क्या इसने मेरे लिए अच्छी माँ का इंतजाम किया था, एक मजूसी औरत से शादी किया, गैर मुस्लिम औरत से शादी किया, मेरा पहला हक अदा नहीं किया इसने, इस्लामी नाम रखना दूसरा हक है, इसने मेरा गैर इस्लामी नाम रखा, और वगैरह और वगैरह। कुर्बान जाइए इस्लाम के तरीके तरबियत के। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे के सामने बाप की बेइज्जती नहीं करते, कुर्बान जाइए। ये तालीम और ये तरबियत, ये तरीका इस्लाम सिखाता है नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी। उमर फारूक इस नौजवान को कुछ नसीहतें करते हैं,
گو کہ تمہارے والد کی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن والد کے حقوق تم پر ہیں، تم کو یہ اور یہ اور یہ ادا کرنے چاہیے، اب تم جا سکتے ہو۔ لڑکے کو بھیج کر اب والد کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا ولین فریضہ ہے کہ تم اپنی ہونے والی اولاد کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ میں اس محفل میں اگر کسی کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، کچھ ہے الحمدللہ، اپنے والدین سے گزارش کیجئے، لڑائی جھگڑا نہیں، والدین کا اپنا مقام ہے، ان کے اپنے حقوق ہیں، گزارش کیجئے، ماحول ایسا بنائیے پیار اور محبت سے، دل جیتیے اپنے والدین کا۔ ابا جان مجھے شریک حیات چاہیے تو دیندار، دولت نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیے اس کے بعد پھر آپ کا گھر کیسا بنے گا۔ پھر یہ ساس اور بہو کے جھگڑے بھول جائیے، شادی ہونے کے بعد ایک ہفتہ، دو ہفتے، ایک مہینے میں یا تو طلاق ہو رہا ہے یا تو خلا ہو رہی ہے، دینداری کو بنیاد بنائیے، ان مسائل سے اس کا اسلام چھٹکارا دلائے گا آپ کو۔ سب سے پہلا حق اچھی ماں کا انتظام کرنا، اگر کسی وجہ سے شادی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بنا سکتے ہیں، نماز کی پابند ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھی بات ہے، آہستہ 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 گھر کے ماحول کا ایسا بنائیے، دیندار دیندار بنائیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز سے کیجئے، جہاں جائیں گے آپ کا نام روشن کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان حج میں جب درجات بلند ہوں گے نا مرنے کے بعد، اللہ کے بندے سوال کریں گے، رب العالمین ہمارا تو حساب ہو گیا، یہ درجات کی بلندی ہے، انعامات کیوں؟ تمہاری اولاد تمہارے پیچھے دنیا میں دعائیں کر رہی ہے تمہارے لیے، تم جو نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر آئے ہو نا، ان کی دعاؤں کو ہم قبول کیے ہیں، تمہارے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، ضائع نہیں جائیں گے یہ۔ دوسرا حق گو کہ آج کے زمانے میں کم ہے لیکن نام بدل کر قتل اولاد، نام بدل دیا گیا ہے، کیوں ہوتا ہے یہ، کیا اسباب ہیں؟ اولاد کے قاتل پیارے والدین، والدین اور اولاد کے قاتل ہو سکتی ہیں، ہو رہے ہیں، اسباب بہت سارے ہیں، ساری تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں قرآن مجید جو اعلان کرتا ہے ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، ارے جب ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چھ بچے ہو جائیں گے تو میں کیسے کھلاؤں گا ان کو، میرے کھانے میں شریک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں تم کو بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، کھلانے سے مطلب کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم تو عجیب عجیب قسم کے معاملات کرتے ہیں، اگر تین چار بیٹیاں ہوں گے تو شادی کیسے کروں گا، تین چار بچے ہو جائیں گے تو انجینئرنگ اور میڈیسن ایک کو کرانا ہے تو 40 لاکھ 50 لاکھ دینا ہے، پانچ بچوں کو کیسے کراؤں گا، عجیب قسم کی باتیں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں کسی ایک مقام پر لکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، بس جب انسانیت بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اسی مناسبت سے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں، ہم ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اتنے سے وسائل ہیں، پانی اتنا شارٹیج ہے، غذا اتنی ہے، زمین اتنی سرکی ہے، جب آبادی 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہو جائے گی کہاں رہیں گے ہم لوگ، وسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو اولاد کا دینے والا ہے اس کا انتظام بھی وہی کرے گا، مجھے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس حد تک انسانیت گر رہی ہے، غالباً ایک مہینے پہلے کے منصف پہ دیکھیے، ہمارے حیدرآباد کے کسی ایک ہاسپٹل میں، مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا، انسان کا بچہ، اشرف المخلوقات، نہیں چاہیے ہم کو، پیدا تو ہو گیا ہے، موری ڈرینیج کے گٹر میں ملا ہے، ہاسپٹل میں، ہمارے حیدرآباد میں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اشرف المخلوقات اور نالیوں میں، کہاں ہے انسانیت؟ یہ بچے کا پیدائشی حق ہے، جب پریگننسی ہو گئی ہے، اب وہ اسپیسنگ ہے، کنٹرول ہے، وہ الگ عنوان ہے، اس پر میں نہیں جا رہا ہوں، اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہالت کیسے کرتے تھے لوگ، زندہ دفنایا کرتے تھے اپنی لڑکیوں کو، سوچ نہیں سکتے ہم لوگ،
ایک صحابی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنا واقعہ سناتے ہیں، اپنا خود آپ بیتی، خون کے آنسو رونے کا، خون کے آنسو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں وہ واقعہ سن کر، کیا آج نہیں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو معلوم نہیں ہوتا تھا، بچیاں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، آج چوتھے مہینے میں، پانچویں مہینے میں معلوم کر لو، حالانکہ قانوناً جرم ہے پھر بھی معلوم کرو اور ان کا وہیں دفن کرو، قتل کرو ان کا، کون پوچھنے والا ہے؟ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ میں واقعات نہیں سنا رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ تیسرا بہت اہم حق، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کا اپنا حق ہے کہ ماں اس کو اپنا دودھ پلائے۔ نوجوانوں، آج کل ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن شرعی حدود میں رہ کر۔ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، جہاں چاہے جیسی چاہے لباس اور بے پردگی سے۔ نو، اسلام ایسے کام کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجرہ، بہترین تاجرہ معاشرے کی، لیکن حدود۔ میں چونکہ ورکنگ وومن ہوں اس لیے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلا سکتی، آپ کے بچے کی ذمہ داری آپ اٹھائیے۔ رضائی ماں اگر کسی وجہ سے اپنی اصلی ماں کو دودھ اگر نہیں آتا ہے، اگر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہو، رضاعت کا آپشن ہے ہمارے پاس، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیے۔ صرف دودھ نہیں پلا رہے ہیں، محبت منتقل کر رہے ہیں، تربیت منتقل ہو رہی ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اپنی بیوی کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کتنے پیارے انداز میں بشارت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں۔ تم ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ تم اپنے بچے کو صرف دودھ پلا رہی ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ تم اپنی محبت اور شفقت سے اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہو، اللہ رب العالمین تمہارے دودھ کے ذریعے سے اس کی اپنی مخلوق کی پرورش فرما رہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہمیشہ اس نیت سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، جب یہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کی، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں جائے گا، اسلام کے غلبے کے لیے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ لگانے والا بن جائے گا، تو اس میں تمہارا اجر رہے گا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، نوجوان شاید نہیں سنے ہوں گے، بزرگ حضرات میرا ساتھ دیں گے۔ جب چھوٹے بچوں میں محلے میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، بہت پہلے، 15-20-25-30 سال پہلے، بچے کیا بولتے تھے؟ ہلکا سا لڑائی جھگڑا ہوا، اچھا تو اتنا بڑھ گیا، آ ماں کا دودھ پیا ہے تو آ میرے پاس۔ اب آج ماں کا دودھ کہاں ہے؟ اور ماں کے دودھ میں جو طاقت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، دنیا کے کسی دودھ میں نہیں ہے۔ اولاد کا حق ہے، پلائیے، اپنی محبت منتقل کیجیے، اپنی شفقت منتقل کیجیے، اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والے ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی۔ اسلامی نام بچوں کا حق ہے، ان کے اچھے سے نام رکھیے۔ کیا نام رکھ رہے ہیں؟ عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرزاق، عبدالجبار، عبدالستار، اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبروں کے نام رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے نام رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں جو آج کل معروف، مگر نیت پر دار و مدار ہے آپ کس نیت سے آپ نے یہ نام رکھا ہے۔ سلمان، نوجوانوں کے تو کان کھڑے ہو جائیں گے۔ میں سنا جب گزشتہ ہفتے شاید کچھ شادی ہوئی اس کی اپنی بہن کی، عورتیں اور مرد سواہ سے انتظار میں ہے کہ میں سلمان خان کا دیدار کروں گی، بلکہ ایک صاحب سنا رہے تھے، ایک برقع پوش خاتون صبح 10 بجے سے انتظار میں ہے، اعلان کر رہی ہے کہ جب تک میں اس کو دیکھوں گی نہیں، یہاں سے نہیں جاؤں گی، ایسے جیسے اللہ کے رسول کا دیدار کر رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ملے گا دیکھنے سے اس کو؟
सलमान अगर नाम रख रहे हैं अपने बच्चों का तो सलमान फारसी को जहन में लाइए, सलमान खान को नहीं, नाम वही है, नीयत आपकी क्या है। मेरा बच्चा जवान होकर सलमान फारसी की तरह बनेगा तो आपको वैसे ही बनेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। कितने नाम है, इस्लामी नाम रखिए, बच्चों का हक है। अकीका कीजिए बच्चों का, सातवें दिन अकीका नहीं कर रहे, छोड़ दिया हमने, क्यों? वालिद मोहतरम बाहर है, क्यों? उनके रिश्तेदार करीब में नहीं है, क्यों? जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छी सी दावत करना मकसूद है हमको। सातवें दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके से अकीका कीजिए, दावत कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं तो गोश्त तकसीम कीजिए, नाम रखिए अच्छा इस्लामी नाम रखिए। हमने सुन्नत तरीकों को छोड़ दिया, बिदआत हमारी जिंदगियों में आ गई। सात में दिन नाम रखना हमने छोड़ दिया, छठवें दिन दावतें आम हो गई, नाम रखा हमने छठी, कहीं की छठी है नहीं मालूम, नौजवान तो जानते भी नहीं है नाम को। एक छठी हो गई, एक छिल्ला हो गया, क्या ताल्लुक है इस्लाम से इसका? अरे इस्लाम से ताल्लुक तो सिर्फ सातवें दिन अकीका होना है उसका, लेकिन छोड़ दिया हमने। एक सुन्नत तो दूर किया, कई बिदआत हमारी जिंदगी में आ गई। औलाद की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, हम सब जानते हैं, नौजवान भी बुजुर्ग भी। बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद, हम ही कहते हैं अपनी जबान से, माएँ कहाँ पर हैं हमारी? माँ की गोदों में बच्चे हैं आज? नहीं, बॉटल दे दी और जाओ बिस्तर पे लेट जाओ, वहाँ पर कहाँ से गोद में असर आएगा औलाद को? माँ कहाँ पर है? कभी टेलीविजन पर, कभी इंटरनेट पर, कभी व्हाट्सएप पे, कभी किसी से चैटिंग करते हुए, कभी मैगजीन के हवाले। माओं ने खास तौर से, उम्मत की अजीम माएं, देखिए तारीख में पढ़कर क्या किरदार है उनका। हमारी ख्वातीन से मैं दरख्वास्त करूंगा, बाप बड़ी उज़्मा नहीं है, हर दो को मिलकर अपने औलाद की जब हम तरबियत करेंगे तो वो फूल हमारे आंगन में खिलेंगे जिसकी हम तमन्ना करते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तरबियत नहीं करेंगे और अपने बच्चों की परवरिश हलाल कमाई से, एक लम्हा एक वक्त भूखा रहिए कोई मसला नहीं है, हराम का एक लुकमा पेट में ना जाने पाए, ना अपने पेट में ना औलाद के पेट में, फिर सलमान फारसी हमारी गोदों में खेलेंगे। लेकिन ये काम सिर्फ तमन्नाओं से नहीं होगा, सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। औलाद की सही तालीम, सही तरबियत, तालीम के पीछे तो भाग रहे हैं हम लोग, एक से बड़ी एक से बड़ी एक डिग्री हमको मिलती जा रही है हमारी औलाद को, हम बहुत खुश हैं, लेकिन तरबियत का हाल ये है, अखलाक का हाल ये है, इंतहाई गिरावट में, इंतहाई गिरावट में। वालिद से किस अंदाज से बात करना है हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। मैं एक बात और कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ कैसे पेश आ रहा हूँ, अमली तरबियत, मेरे बच्चे कभी जुर्रत नहीं कर सकते मुझसे बड़ी आवाज़ें बात करने की, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।